गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू स्टे एट होम कंटिन्यूअसली। नाउ वी डिस्कस्ड अवर क्लास सेवन टॉपिक बैटरी। व्हाट इज अ बैटरी? ओके, बैटरी जो होती है गाइस वो क्या होती है? सो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन सेल। जो हम गाइस बहुत सारे सेल्स जो होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है गाइस सेल का, ये क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। फॉर ए बैटरी वी कनेक्ट मेनी सेल्स। एक बैटरी में गाइस हम बहुत सारे सेल्स भी ले सकते हैं। वन टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ सेल। इसमें गाइस क्या किया जाता है, एक टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल सेल के से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। यानी एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के दूसरे टर्मिनल से गाइस क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ सेलों का, ये जो ग्रुप या कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए बैटरी। ये गाइस क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज गाइस दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज आल्सो सेल। सपोज गाइस देयर आर फाइव सेल्स, वी टेक ए फाइव सेल, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इफ वी मेक ए बैटरी, अगर गाइस हमें इन सेल से बैटरी बनानी है, सो गाइस वी कनेक्ट फर्स्ट सेल पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, सेकंड सेल पॉजिटिव टर्मिनल टू द टर्मिनल अटैच विद द थर्ड सेल नेगेटिव टर्मिनल, थर्ड सेल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द फोर्थ सेल नेगेटिव टर्मिनल, एंड फोर्थ सेल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द फिफ्थ सेल नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज नोन एज बैटरी। तो ये गाइस क्या बना लेता है, एक बैटरी बना लेता है। ओके, सो गाइस रिमेंबर इट, हमें ये ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट जो सेल का, अगर गाइस हम पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे तो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से। गाइस हम कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव को कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस अगर हम फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ले तो हमें सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा। हम यह सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नहीं ले सकते। ओके, सेम एज पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जस्ट अपोजिट टर्मिनल से गाइस क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। इफ यू कनेक्ट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, देन इट नॉट ए बैटरी। तो एक बैटरी का नहीं बनेगा। सो जस्ट अपोजिट टर्मिनल हमें क्या करने होंगे, कनेक्ट करने होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एंड लास्ट वी सी दैट देयर इज इन स्टार्टिंग नेगेटिव टर्मिनल है, एंड लास्ट गाइस हमें कैसा मिलता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर गाइस इस बैटरी से हम किसी को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सपोज इफ वी ऐड ए बल्ब, अगर गाइस हम क्या करते हैं, एक बल्ब को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी गाइस हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी, इधर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। तो इसलिए गाइस हमें जस्ट क्या लेने पड़ते हैं, अपोजिट टर्मिनल से लेने पड़ते हैं। इन दिस फर्स्ट सेल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू द सेकंड सेल नेगेटिव टर्मिनल, सेकंड सेल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द थर्ड सेल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल इज कनेक्टेड टू द फोर्थ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, सेम इन लास्ट फोर पॉजिटिव सेल टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड के नेगेटिव से, सेकंड का पॉजिटिव थर्ड के नेगेटिव से, थर्ड का पॉजिटिव फोर्थ के नेगेटिव से, फोर्थ का पॉजिटिव फिफ्थ के नेगेटिव से। तो ये कंप्लीट जो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा या ग्रुप ऑफ सेल जो हम गाइस इसे बोले, दिस इज नोन एज बैटरी। ये हमारा क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन गाइस क्या कहलाता है, हमारा बैटरी कहलाएगा। नाउ वी सी दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम गाइस हीटिंग इफेक्ट यानी विद्युत का तापीय जो प्रभाव होता है उसको पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तापीय प्रभाव जो होता है गाइस किसका, विद्युत का, यानी करंट का जो ताप प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक जनरली बताता हूँ, जैसे कि हम गाइस इमनसन रोड यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, दे आर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये सारे कैसे गाइस विद्युत उपकरण हैं, प्रेसो जिसे इस्त्री बोलते हैं, और हीटर हो गाइस, इमनसन रोड जिससे हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, हमारे घर में जो बल्ब, दिस इज आवर बल्ब,
ये जो बल्ब होते हैं गाइस, ये भी कैसे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं। सपोज गाइस इन आवर होम भी, इसके लिए गाइस क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। बाय एक्टिविटी टेक ए बल्ब स्विच सेल एंड वायर, हम एक बल्ब लेते हैं, स्विच लेते हैं, सेल वायर लेते हैं, मेक ए कम्प्लीट सर्किट बाय कनेक्ट करते, हम एक कम्प्लीट क्या बनाते हैं, सर्किट बना लेते हैं इन सबको कनेक्ट करने के लिए। गाइज हम क्या करते हैं, जस्ट सपोज हमने इसके साथ, इस बल्ब के साथ गाइस क्या कर लिया, कंप्लीट सर्किट क्या कर लिया है, बना लिया है। बिफोर ऑन द स्विच, हम स्विच ऑन करने से पहले गाइस अगर हम इसको क्या करें, फील करें, हम इसको फील करते हो गाइस, हमें इसका टेम्परेचर क्या होगा थोड़ा सा फील करना होगा। तो गाइस अगर मैं इसे अभी फील करूँ तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी गर्म नहीं है ये, ओके, दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर। अगर गाइस इसको मैं एक सर्किट में लगा दूं और गाइस मैं इस बल्ब को फॉर 5 or 10 मिनट्स गाइस क्या कर दूं, ऑन कर दूं, यानी इसमें से ऑन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दूं गाइस पास कर दूं, गाइस इलेक्ट्रिसिटी पास अगर 5 मिनट हो गया, आफ्टर 5 मिनट्स गाइस अगर हम इससे टच करते हैं, या गाइस अगर हम घर में कोई भी बल्ब ऑन करने के बाद उससे गाइस अगर हम टच करें, बिफोर भी हमें, पहले भी हमें देखना होगा कितना टेम्परेचर, कितना हीटिंग कर रहा है, दिस इज नॉर्मल। अगर जलाने के बाद गाइस हम उससे टच करेंगे, जलाने का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हम उसके बाद जब उसे टच करेंगे, वी फील दैट बल्ब जो होगा गाइस हमारा वो हीट करेगा, वो क्या करेगा, हीट करेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो ये बल्ब जो गाइस थोड़ा गर्म हो जाता है, ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो बल्ब गर्म होने का जो कारण है गाइस, ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो गाइस क्या करती है, इसके टेम्परेचर को गाइस क्या करती है, इंक्रीज करती है। वहां से टेम्परेचर गाइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर गाइस वो कैसा करने लग जाता है, हीट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, हीट करने लग जाता है। सो वी टेक एक्टिविटी नाउ ऑन द स्विच ऑफ द बल्ब, सी द बल्ब बिफोर इट टच, बिफोर इट टच द बल्ब ग्लो एंड फील टेम्परेचर ऑफ बल्ब। इससे पहले हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को फील करना होगा। आफ्टर दैट आफ्टर इट ऑन स्विच एंड ग्लो बल्ब फॉर 5 मिनट, हम स्विच ऑन करते हैं 5 मिनट गाइस क्या करते हैं, बल्ब को ऑन रहने देते हैं। आफ्टर इट ऑफ एंड स्विच, उसके बाद हम स्विच ऑफ करते हैं एंड टच बल्ब अगेन, दोबारा गाइस हम बल्ब को टच करेंगे, वी फील दैट बल्ब इज हीटिंग नाउ, तो हम देखेंगे कि बल्ब क्या कर रहा है, अब हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है। दिस हीटिंग ऑफ बल्ब इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन बल्ब, ये जो गाइस बल्ब हीट कर रहा है, ये गाइस बल्ब क्यों हीट करता है, ये बल्ब हीट करेगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है उसके कारण। सेम एज गाइस हम इमर्सर रोड जो देखते हैं, वो जो हमारे इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसमें से भी गाइस क्या होते हैं, जब हम उसको गाइस सर्किट में लगाते हैं और जब हम उससे स्विच ऑन करते हैं, तो गाइस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। जैसे हमारे बल्ब में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, सेम एज इमर्सर जो रोड होती है उसमें से भी गाइस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और वो क्या होगा गाइस, हीट करेगा। अब गाइस हीट क्यों करते हैं, गाइस ये हीट करते हैं रेजिस्टेंस के कारण, ये हीट करते हैं रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस जो होता है गाइस वो क्या होती है, एक मेटल में जो क्या होता है गाइस, हम एक मेटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, ये क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं हीट को, या रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बाधाएं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में। इट मींस व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस ओकर, या रेजिस्टेंस क्यों होता है, इज ए ब्रेकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बाधा उत्पन्न का काम करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी में जो बाधा उत्पन्न होती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इन नेक्स्ट क्लास गाइस आई विल, दिस इज नॉट इन योर बुक व्हाट इज रेजिस्टेंस, बट फॉर आवर नॉलेज इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड हाउ रेजिस्टेंस ओकर, एक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, इसके बारे में गाइस हम एक नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। व्हेन यू नो दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड हाउ इट इज ओकर, हम जब आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे बनता है, यू दैट टाइम यू नो वेरी वेल व्हाई इलेक्ट्रिक बल्ब हीट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों हीट कर रहा है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। सो फॉर इट वी नो डेट वॉट इज रेजिस्टेंस, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू गाइज वॉट इज रेजिस्टेंस, तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।